आप सभी को नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने तीन पर्सन ग्रुप डिस्कस करेंगे। ये जो आप पिक देख पा रहे हैं, इनका सक्सेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये अभी कहाँ कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वो कैसे शुरू किए थे उनका कैरियर, और उनको क्या क्या उस टाइम क्वेश्चन पूछा गए थे जब उनका स्किल एंड ट्रेड टेस्ट हुआ था। ओके, तो पहले जो पिक आप देख पा रहे हैं, टाटा स्टील लिमिटेड में काम करते हैं आकाश गिरी। नेक्स्ट में देख रहे हैं सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो काम कर रहे हैं राजकुमार गुप्ता। केसीसीएल में जो काम कर रहे हैं ब्रंची मुंडा। ये तीनों जब माइनिंग डिप्लोमा कंप्लीट किए, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस आया, और जब उनका सेल में राजकुमार गुप्ता का सेल में, उनका टाटा स्टील में, आकाश गिर का टाटा स्टील में, और ब्रंची मुंडा का जब केसीसीएल से उनका एग्जाम के लिए उनको बुलाया गया, रिटर्न जब हुआ, रिटर्न में वो अच्छा से क्वालिफाई कर लिया। हमने कुछ एमसीक्यू दिए थे, कुछ बुक्स उनको भेजे हुए थे, वो सारे के फॉलो करके उनका रिटर्न क्लियर हो गया। लेकिन रिटर्न क्लियर हो जाने के बाद उनको भाईवा के लिए जब बुलाया, स्किल एंड ट्रेड टेस्ट के लिए, उन पे बहुत सारे उनको क्वेश्चन पूछे हुए थे। क्या क्या उनको क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपना वीडियो में अपना वक्तव्य रखे हुए हैं, वो वीडियो को हम देखेंगे, और जो जो पूछे गए थे उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। उनको क्या पूछा गया था, आपको किस तरह से आंसर देना है, कैसे बोलना है, कैसे पहन के जाना है, क्या पहन के जाना है, कैसे आपको बताना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, ये सारे के सारे हम आपको बताने वाले हैं या बताएंगे। ये तीनों का फीडबैक जो है अभी हम थोड़ा देखते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम वासव दत्ता है और मैं एक माइनिंग फोरमैन ही। मैं पिछली हुई जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई थी 2022 में RSP में, उसमें सेलेक्ट हुआ हूँ। और एज ए माइन फोरमैन अभी मैं बरसों आयरन माइंस में कार्यरत हूँ। 2022 दिसंबर में जो CVT एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं क्वालिफाई हुआ, और उसके बाद से मैं सर से जुड़ा, श्रीमान माइनिंग से। फिर इंटरव्यू चाहिए, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, कैसे क्या होना है क्या नहीं। सर ने मुझे बहुत हेल्प किया और मुझे बताया कि इंटरव्यू कैसा होता है, कैसे फेजेस आते हैं। और एक ये मैं पहली बार दे रहा था ये इंटरव्यू, इसलिए मुझे उतना नॉलेज नहीं था, पर सर ने जो हेल्प किया, बताया मुझे, उसके बाद मुझे बहुत नॉलेज हुआ कि मैं ऐसे ऐसे करना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है। और मैं जब अप्रैल में अपना रिजल्ट आया तो सक्सेसफुली मैंने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया था। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है या इंटरव्यू क्या होने वाला है, चाहे मैं भी वैसे ही था। और सर से जुड़ने के बाद में मुझे उन्होंने बताया कि इंटरव्यू क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। जैसे यहाँ पे आप पहले इंटरव्यू में स्किल टेस्ट के नाम पे अपना फॉर्मलाइजिंग करवाते हैं, फिर एक बार माइंस के चक्कर लगवाते हैं, उसके बाद आके हम लोग इंटरव्यू राउंड में बैठते हैं। इंटरव्यू में अपने से पूछा जाता है कि आप हो कहाँ से, हो क्या हो, फिर बातों बातों में आपसे कुछ नहीं होने लगता है, माइनर माइन रोल ये सब तो पूछते ही नहीं। उस पर आप क्या देखिए क्या नहीं, उस पर आप क्या एक्शन ले सकते हैं, ये सब पूछते हैं। वो चेक करते हैं कि एक एज ए रेस्पॉन्सिबल माइन फोरमैन आप अपने हमारे माइंस में कंफर्टेबल हो या नहीं, या आप संभाल सकते हो या नहीं, ऐसे वो देखते हैं या नॉलेज है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम है आकाश कुमार गिरी, मैं केंद्र से बिलोंग करता हूँ, मैं एक माइनिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं माइनिंग कंप्लीट किया हूँ 2020 केंद्र स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से। मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया हूँ, मैं आज एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। यूट्यूब के बारे में आप सभी जानते होंगे, वास्ट नॉलेज वहाँ पर शेयर किया जाता है। जब मैं माइनिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं सोचता था कि मुझे गाइड कहाँ से मिलेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे जिससे मैं अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर पाऊँ। तो मैं एक दिन क्या किया, यूट्यूब ओपन करके सर्च करने लगा। सर्च करते 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 एक चैनल मुझे नज़र में आया जिसका नाम है श्रीमान मास्टर। श्रीमान मास्टर जब मैं फॉलो करना स्टार्ट किया तो मुझे इतना स्टार्टिंग इतना हेल्प हुआ, इतना गाइडेंस मिला और इतने सारी चीज़ को सीखने का मौका मिला जो नॉर्मल बुक में हम लोग को नहीं मिलता है।
श्रीमान जैनन को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। श्रीमान जैनन के माध्यम से मेरा जो भी डाउट, जो भी टॉपिक के ऊपर माइनिंग रिलेटेड थिंग्स, सारा चीज़ मुझे क्लियर मिला, मुझे हेल्प मिला, मुझे कुछ नए चीज़ जानने की कोशिश मिली, मैं कुछ नया चीज़ सीख पाया और एट लास्ट आज मैं जो पोजीशन में हूँ। मैं अभी टाटा स्टील में रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ ड्यू टू द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ श्रीमान मास्टर। तो मैं सभी दोस्तों को यही बोलना चाहता हूँ, आप भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए श्रीमान चैनल को। आपको जो भी तकलीफ, जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट आपका है मन में, वो ओपनली सारा चीज़ मिल जाएगा आपको श्रीमान मास्टर में। और आपका करियर को बिल्ड करने के लिए वो बहुत अच्छा पाथवे है, आप उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मोर नाम बिरंची मुंडा, मु करंजिया पड़ा केन्द्र डिस्ट्रिक्ट रहे। मोर जून 24 तारीख में बीएस माइनिंग मोर इंटरव्यू थिला, से मत क्वेश्चन पचारे फॉरमैन ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन, माइनिंग मैटर ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन, कॉम्पिटेंट पर्सन ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन, से कौ रेगुलेशन रे अच्छे, डॉग मैनेजमेंट कौन, डॉग मैनेजमेंट तुम्हें केमती कर, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग रे कौन कौन सब सेफ्टी देख, डंपर रो एसओपी कौन, तार सेफ्टी फीचर्स कौन, एक्सकावेटर रो सेफ्टी फीचर्स कौन, तार एसओपी कौन, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग रो एसओपी एंड एक्सकावेटर एसओपी एंड सेफ्टी फीचर्स कौन, बकेट फिल फैक्टर कौन, स्वेल फैक्टर कौन, पाउडर फैक्टर, चार्ज फैक्टर कौन, हॉल रोड मेंटेन केमिति करिबा, फास्ट एड कौन केमिति गोटे लोक को देवा, सब हॉल रोड रो विथ केमिति मेंटेन करिबा, सब और अनेक प्रश्न पचारिथिले। सेथिरे मु श्रीमान माइंड मास्टर चैनल रो मु ए सब जिनस विषय रे जानिबा को मु पाइथिलि, से ताको ठारो मु सिखिथिलि। तो से सार को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देवी, तांकर चैनल जुगुरु आज मोर ए इंटरव्यू रे भल हो सिलेक्शन हो। थैंक यू सर। मेरा नाम है बिरंची मुंडा, केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से मैं रहने वाला हूँ। अभी मैं टाटा स्टील कांडर में अभी काम कर रहा हूँ। आप जानते हैं टाटा स्टील का स्किल एंड ट्रेस्टेड बहुत टॉप होता है। स्किल एंड ट्रेस्ट टेस्ट मैं श्रीमान माइंड मास्टर चैनल से मैं सीखा हूँ। चैनल का डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर है, सर के साथ कांटेक्ट किया था और कुछ दिन कोचिंग लिया था। जनाबी मैं बहुत खुश हूँ, मेरा रीजनिंग और स्किल ट्रेस्टेड क्लियर हो गया। थैंक यू सर।